हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का छोटा सा टॉपिक। इंटरनेशनल मार्केटिंग का थोड़ा सा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एज वेल एज उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर के बारे में। तो ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपको इन तीनों टॉपिक का ही डिस्कशन देखना हो, सो अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है? देखिए, मार्केटिंग क्या होती है, आई होप आपको ये सब चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। मार्केटिंग के बाद जो एक नया लेवल बनता है, दैट इज योर इंटरनेशनल मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग अपने ही देश में करते हो, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक मार्केटिंग। लेकिन जब आप एक देश से ज्यादा देशों में जाकर के अपने सामान बेचने के इच्छुक होते हो और वहां पे सारे मार्केटिंग की एक्टिविटीज करते हो, या फिर उनको टारगेट करके आप जो है अपनी मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज करते हो, सो दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी कि एक नेशन के ज्यादा, एक से ज्यादा नेशन में जब आप जो है इन्वॉल्व होना चाह रहे हो। एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोबल मार्केटिंग, यानी कि आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज क्या कर रहे हो, आप एक्सटेंड कर रहे हो एक ग्लोबल मार्केट के तौर पे। व्हेन अ बिजनेस यूनिट कैरीज ऑन इट्स मार्केटिंग एक्टिविटी इन मोर देन वन नेशन, देन इट इज इंड्यूलिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी कि जब आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जब आप अपनी बिजनेस यूनिट्स जो है वो एक से ज़्यादा देशों में फैला रहे हो, एक से ज़्यादा देशों में उसकी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोका कोला की आज के टाइम में मोर देन 150 कंट्रीज़ के अप्रॉक्स, या फिर उससे ज़्यादा ही कंट्रीज़ में क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। वहाँ पर उनकी एडवर्टीजमेंट होती है, प्रोडक्शन होता है, एंड पूरा का पूरा वहाँ पर जो है आपका एक तरीके से कह लीजिए सामान बेचने की वो सारी एक्टिविटीज़, मार्केटिंग की पूरी एक्टिविटीज़ चलती हैं इन सभी देशों में। तो ये क्या हुआ, उस कंपनी के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग हुई। आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में एक टैरिफ का जो सिचुएशन होता था वो एलिमिनेट हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना बहुत ईजी हो रहा है, एक कंपनी के लिए दूसरी कंपनी में जा करके काम करना ईजी हो रहा है कंपेयर टू पिछले काफ़ी सिचुएशन से। तो इसलिए साथ ही साथ अब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया है। पहले ट्रांसपोर्टेशन जो है नदी के किनारे, नदी से हुआ करता था, जो एक तरीके से समुंदर के रास्ते से हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, अलग से आपकी कैरियर फ्लाइट्स चलती हैं। यानी कि जो आप फ्लाइट में एक व्यक्ति के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन करते हो अपना, एक व्यक्ति यहाँ से बैठ के लंदन जाता है फ्लाइट्स में, लेकिन आज के टाइम में क्या है, नॉर्मल फ्लाइट्स चलती हैं जिसमें सिर्फ सामान भर के जाता है, जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सामान होता है या किसी कंपनी का सामान होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, साथ ही साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो बिजनेस करने में, एक कंट्री के दूसरी कंट्री में बिजनेस करने में जो बैरियर्स आते थे वो कम हो गए हैं। तो इसीलिए उस पॉइंट के लिहाज से मार्केटर क्या करता है, पूरी दुनिया को अब एक सिंगल यूनिट देखता है। पहले इस सिचुएशन में क्या होता था, पहले एक जो है लाला होते थे, अपनी दुकान खोल के बैठते थे, उनके लिए जो मार्केट होता था वो सिर्फ और सिर्फ उनका मोहल्ला होता था या ज़्यादा से ज़्यादा शहर बन जाता था। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो शहर के लोग ही आते थे, उससे ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप पूरी दुनिया को एक सेम मार्केट के तौर पे देखते हो, क्योंकि सब कुछ चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो गई हैं। सो इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या हो गया है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग मल्टीनेशनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन डिफरेंट नेशंस। देखो, इंटरनेशनल मार्केट क्या बोला गया है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी अपनी दुकानें जो है कई कंट्रियों में जाके खोलते हो। एस्टैब्लिशिंग मल्टीनेशनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मल्टीनेशनल, एक नेशन में नहीं, एक से ज़्यादा नेशन में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल खोलते हो या फिर अंडरटेक करते हो अपनी वेरियस एक्टिविटीज सेलिंग की, जो कि भी सेलिंग एंड अपने प्रोडक्ट को बेचने की या सर्विस को बेचने की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप वहाँ पर करते हो। ये डेफिनेशन दी गई थी हारोल्ड बैट्सन के द्वारा। दूसरी डेफिनेशन जो है वो है हैस एंड कैटोरा के द्वारा, जो कि थी टू मेक अवेलेबल कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस to more than one country's customer for use is known as international market। इसमें क्या बोला गया कि international marketing क्या है, international marketing वो है जहाँ पे आप अपनी company के product and services एक से ज़्यादा country के customer तक पहुँचाते हो, available कराते हो। सो अवेलेबल कैसे भी हो सकता है, या तो आप अपनी कंट्री से भेज रहे हो, या फिर वहीं पे जाकर के एक यूनिट आपने डाल दिया, या फिर वहाँ के किसी कंपनी के साथ जो है, कंट्री की कोई कंपनी के साथ आपने टाई अप करके उसका जो है अवेलेबल करा रहे हो।
नाउ वट लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचर कॉम्प्लेक्स. देखिए, जहाँ पे एक मोहल्ले में आप अपना बिजनेस करते हो तो वो छोटा सा कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे जैसे आप दायरा बढ़ाते हो उसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स वो ज़्यादा होने लग जाता है. अब कॉम्प्लेक्स हो रहा है यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम भी देखना पड़ेगा, वहाँ पे कैसे काम करने का जरिया तरीका है वो देखना पड़ेगा, कैसे सेटअप करना है वो देखना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे है वो देखना पड़ेगा, लोगों का जो है नज़रिया कैसा है वो देखना पड़ेगा. अब जैसे एक कंट्री में जो है मांस मच्छी कम खाई जाती है, एक में जो है ज़्यादा खाई जाती है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है ढालना है उस तरीके में आपको वो देखना पड़ेगा. जैसे कोको कोला इंडिया में नॉर्मल पी जाती है या और जो है कई कंट्रीज में उसका डाइट वर्जन ज़्यादा जो है प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं. तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आपकी बिजनेस में रहती है कि आपको जो है पूरे ग्लोबल तरीके में आपको देखना है और उसका नेचर समझना है वहाँ की चीज़ों का. सो कॉम्प्लेक्स क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एज द ग्लोबल कंपनी हैज़ टू एनालाइज मार्केटिंग इन्वायरमेंट ऑफ वेरियस नेशन. हर जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा. जैसे चाइना में आपको जो है अगर आपने कंपनी सेटअप करना चाह रहे हो और आपने वहाँ की ही सरकार के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो कुछ भी हो सकता है. और वहीं पर कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि आप कुछ भी कर दो आपको जो है कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आपको कुछ कह ही नहीं सकेगा. तो ये क्या है, वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं अलग अलग होते हैं, तो आपको वहाँ उसको एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. उसको एनालिसिस करने कैसे करना है वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. वाइड स्कोप यानी कि अगर मेरी दुकान सिर्फ मेरे मोहल्ले तक ही सीमित है तो वो क्या है, मैं सिर्फ कम ही कमा पाऊंगी, कम ही जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगी. लेकिन वहीं पर अगर मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, अपने पूरे देश में फैला दिया, तो अब क्या हो गया, मुझे वाइड स्कोप मिल गया. अब मैंने एक से ज़्यादा देशों में फैला दिया तो मुझे और ज़्यादा वाइड स्कोप मिल गया. सो इसका जो स्कोप होता है काफ़ी वाइड होता है. क्यों? क्योंकि एक पूरी कंट्री को नहीं बल्कि आप काफ़ी सारी कंट्रीज को एक टारगेट कर रहे हो जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को खरीद जो है बेच रहे हो. तो यहाँ पे द ग्लोबल कंपनी जो है कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इन मेनी नेशंस, लाइक कोका कोला इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन मोर देन 150 नेशंस. नेक्स्ट इज योर कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स. इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो है दोनों कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं. जैसे कि नेशनल मार्केटिंग एक अपने ही डोमेस्टिक मार्केटिंग में होते हैं. कैसे? क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती. कंट्रोल आप कर सकते हो, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको लगता है कि चलो जैसे प्रोडक्ट है आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो प्राइस में, प्लेस में, प्रमोशन में. ये सारे आपके कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स के पीस कहलाते हैं. इनको आप कंट्रोल कर सकते हो. दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ये क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से होता है. इंटरनल यानी जो कि आपसे कनेक्टेड है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, दैट इज कंट्रोलेबल. बट वाइल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट विज कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट, प्राइस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एटसेट्रा और बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरन नेशन कॉन्स्टिट्यूट अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स. पर वहीं पर कुछ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि आपके एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो आपके कंपोनेंट्स हैं जैसे कंपटीशन, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई तू मत बना, तू मत कर, तू मेरा यार दोस्त है. गवर्नमेंट पॉलिसी कि मोदी जी हम आपको जितवा देंगे, हम कुछ कर देंगे, लेकिन आप हमारे अगेंस्ट कुछ मत कीजिए, हम बाहर से आके आपके यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं. टेक्नोलॉजिकल लॉजिक को लेकर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लेकर. सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते. मोर रिस्की. अब देखो जहाँ पे बहुत बिजनेस आप ज़्यादा बड़ा करते हो तो छोटे से बिजनेस में भी रिस्क होता है. पान की दुकान भी खोलोगे तो वहाँ भी थोड़ा बहुत रिस्क होगा कि भैया पान लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही खाएंगे, वैसे तो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होगा. सो मोर रिस्की होता है जहाँ पे आप बड़े लेवल पे अपना काम कर रहे होते हो. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. देखा जाए तो अभी जो है रशिया, एक ये आपका रूस और ये कौन सा देश है, मैं यूक्रेन, हाँ ठीक है, तो इन दोनों में अभी क्या चल रहा है, वॉर चल रही है. तो यहाँ पे क्या है, जो यूक्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी रिच हुआ करता था. उसके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बढ़िया पाए जाते थे वहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप वहाँ गए, आपने जो है वहाँ पे अपना सेटअप किया, लेकिन इन दोनों देशों में लड़ाई हो गई. अब आपको अपना बोरिया बिस्तरा लेके भागना पड़ा. तो वहाँ पे आपका जितना भी सेटअप था, जितने भी आपके आउटलेट्स थे, सारे के सारे तबाह हो गए. तो ये क्या हुआ, मोर रिस्की हो गया, क्योंकि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन दो कंट्री के दो लोगों के बीच में दो चीजों में सटक गई तो आपका जो है नुकसान हो गया. सो इन्वॉल्व मोर रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑफ डिफरेंट नेशंस.
रिक्वायर्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट। अब क्या है, आपको एक देश से दूसरे देश में काम करना है तो वहाँ के टैक्सेशन सिस्टम अलग है, वहाँ की जो है चीज़ें अलग है, वहाँ के कॉन्सेप्ट्स अलग है, वहाँ की भाषाएं अलग है। अब आप वहाँ पे जाके कहोगे नमस्ते नमस्कार और वो ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे या ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी, तो वहाँ पे क्या है, आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे जो कि आपको क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वहाँ पे है, या वहाँ की जो भी चीज़ें आपको जो है देखनी है वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक्सपोर्ट की सर्विसेज लेनी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट्स लाइक एक्सपोर्ट एजेंट, शिपर, पैकिंग कंपनी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। मोर कॉम्पिटिशन यानी कि लेट सपोज आप एक कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इस एज में आपको लगता है कि यार हाँ हमारे भी कोई साथी होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको लगता है यार यहाँ तो कॉम्पिटिशन बहुत है। सेम सामने वाले कॉलेज में सामने जो है एक और कॉलेज खुला हुआ है, अब वहाँ के लड़के भी आकर के आपके गेट पर खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, मोर कॉम्पिटिशन हो गया। तो यही बात जो है यहाँ पे भी जाहिर होती है कि आप जो है सिर्फ अपनी जगह पे देख रही हो तो वहां पे कंपटीशन तो है ही, मोहल्ले में 4 दुकानें होंगी। अब आप पूरे देश के लेवल पे काम करोगे तो वहां पे 4,000 दुकानें होंगी, 4,00,000 दुकानें होंगी, और जब आप ग्लोबली जाओगे तो हर कंट्री में 4,00,000 दुकानें होंगी। तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाता है, मोर कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी कंट्री में भी कॉम्पिटिशन है, जो कंट्री में आप जा रहे हो वहां ऑलरेडी कॉम्पिटिशन होंगे, वहां ऑलरेडी कोई लोग ये बंदा काम कर रहा होगा, तो वहां पे भी आपको कॉम्पिटिशन है, तो मोर कॉम्पिटिशन यहां पे होता है। द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल marketing is more in comparison to domestic market. Domestic marketing से अगर compare किया जाए तो आपके जो है international market में ज़्यादा competition होता है। The international marketers face competition from other global companies, domestic marketers of home nation and domestic marketers of host nation. यानी दोनों nation, home nation and host nation की जो domestic market होता है वहाँ पर जो है उसको companies से competition मिल रहा होता है। So global companies face both domestic competition and foreign competition. तो जो भी ग्लोबल कंपनीज होती है उनको दोनों कंपटीशन को जो है देख के चलना पड़ता है, दोनों कंपटीशन का सामना करना पड़ता है कि कौन कौन सी, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। तो चलिए गाइस, ये था आज का टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल मार्केटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।